बता दें आपको, फुटबॉल के फैंस का इंतजार अब खत्म हो गया है। पूरी दुनिया में फुटबॉल के महाकुंभ का जोश दिखने लगा है। कतर के अल-बैत स्टेडियम में शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ फुटबॉल विश्व कप का आगाज हो गया। ओपनिंग सेरेमनी में रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आसमान रोशन हुआ। दुनिया के मशहूर रॉक बैंड, मशहूर सिंगर, बॉलीवुड अभिनेता समेत 900 से ज्यादा कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की और स्टेडियम में मौजूद लोगों के लिए ये उद्घाटन समारोह यादगार बन गया। कतर में सज गया फुटबॉल का महाकुंभ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शानदार ओपनिंग, कोरियन बैंड BTS के धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ हुआ फीफा विश्व कप का आगाज। ये तस्वीरें हैं कतर के अल-बैत स्टेडियम की, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऐसी हसीन शाम सजी कि हर कोई देखता रह गया। वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही इसका बुखार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था और जब फुटबॉल के इस महाकुंभ की शुरुआत हुई तो तस्वीरें कुछ ऐसी थी। कहते हैं फुटबॉल न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है, बल्कि इसको देखने वालों की तादाद भी सबसे ज्यादा है और इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। कतर के दोहा में जब फीफा की महफिल सजी तो चाहने वालों की भीड़ पूरे जोश के साथ जुट गई। दोहा में 60,000 दर्शकों की क्षमता वाला अल-बैत स्टेडियम भी पूरी तरह भरा हुआ था। स्टेडियम के अंदर से लेकर बाहर तक फुटबॉल के दीवानों की भीड़ मौजूद थी। लगभग एक महीने तक चलने वाले फीफा वर्ल्ड कप में मौजूदा चैंपियन फ्रांस समेत कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों को चार चार के कुल 8 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप राउंड के जरिए 16 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जिसके बाद नॉकआउट मैच शुरू हो जाएंगे। 18 दिसंबर को फुटबॉल विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या बात है, BTS की इन धुनों पर सब फैंस झूम कर नाचे। और कतर में शुरू हुए फीफा वर्ल्ड कप के साथ ही फुटबॉल का फीवर पूरी दुनिया पर चढ़ चुका है, तो क्रिसमस की धूम ने यूरोप, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में रंग बिखेरना अभी से शुरू कर दिया है। अब देखिए, क्रिसमस के एक महीने पहले से ही दुनिया भर में क्रिसमस फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। रंग बिरंगी लाइट से शहर रोशन है, बाजार सज गए हैं, बड़ी तादाद में लोगों ने दुकानों और मॉल्स में आकर खरीदारी करनी भी शुरू कर दी है। फ्रांस से लेकर रोमानिया तक, ऑस्ट्रिया से लेकर न्यूयॉर्क तक, क्रिसमस से पहले क्रिसमस का रंग जम चुका है। क्रिसमस आने में अभी एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन दुनिया के कई देशों में फेस्टिवल की रौनक दिखने लगी है। क्रिसमस की रंग बिरंगी लाइट्स से शहर के शहर जगमग हैं। पेरिस की सबसे मशहूर सड़क चैम्प्स एलिसीज पर क्रिसमस के जश्न की ये तस्वीरें हैं। क्रिसमस लाइट्स से लगभग सजी धजी इस सड़क पर क्रिसमस की धूम है। बैंड बाजे ने समा बांध दिया है। एक्टर ताहर रहीम ने बटन दबाकर क्रिसमस के जश्न का आगाज किया और इसी के साथ पेरिस की ये मशहूर चैम्प्स एलिसी सड़क क्रिसमस की रोशनी से गुलजार हो उठी। 1944 में पेरिस ने नाजी साम्राज्य से आजादी का जश्न इसी चैम्प्स एलिसी सड़क पर मनाया था। 1998 और 2018 के फुटबॉल विश्व कप में मिली जीत के जश्न की गवाह भी यही सड़क बनी थी और अब क्रिसमस के मौके पर एक बार फिर चैम्प्स एलिसीज सज धज कर तैयार है। चैम्प्स एलिसीज पर रोशनी के साथ ही पूरे पेरिस में क्रिसमस की धूम शुरू हो चुकी है। रोमानिया के बुखारेस्ट में भी क्रिसमस फेयर शुरू हो चुका है। रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार इस जॉइंट व्हील की चकाचौंध देखते ही बन रही है। सजावट की भव्यता देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान रोशनी से भर उठा है। रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार सड़क के दोनों किनारे अद्भुत नजारे पेश कर रहे हैं। पेड़ों पर लगी लाइट्स
लोगों का मन मोह रही है। सड़क के किनारे दुकानें अलग अलग तरह के खूबसूरत सेंटा से पटी पड़ी हैं। बुखारेस्ट में संसद पैलेस के सामने क्रिसमस स्क्वायर में क्रिसमस मेले का उद्घाटन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए, मनपसंद सेंटा की शॉपिंग की और खूब मौज मस्ती भी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। क्रिसमस का मेला शुरू हो चुका है और पूरे शबाब पर है। वियना का मशहूर क्रिसमस बाजार खुल चुका है। वियना के मेयर ने टाउन हॉल के सामने क्रिसमस ट्री पर लाइट जलाकर बाजार का उद्घाटन किया। 28 मीटर लंबे और 130 साल पुराने देवदार के पेड़ को क्रिसमस ट्री बनाया गया। बिजली बचाने के लिए ट्री पर 1650 एलईडी लाइटें लगाई गई। बाजार खुलते ही देश विदेश के सैकड़ों सैलानी खरीदारी के लिए उमड़ पड़े। रंग बिरंगी लाइट से लगदग नजारा देखते ही बन रहा है। अमेरिका में भी क्रिसमस की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। व्हाइट हाउस में खास तरह का क्रिसमस ट्री लगाया गया है। ये क्रिसमस ट्री पेंसिल्वेनिया के खेत से चुनकर लाया गया है। इस क्रिसमस ट्री को चुनने के लिए अमेरिका में नेशनल क्रिसमस ट्री एसोसिएशन ने एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था, जिसे पेंसिल्वेनिया के किसान परिवार ने जीता। प्रतियोगिता जीतकर किसान परिवार ने व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में क्रिसमस ट्री लगाने का अधिकार पाया। न्यूयॉर्क में विशाल क्रिसमस ट्री को भारी भरकम ट्रक पर लादकर शहर के रॉकफेलर सेंटर पर लगाया गया है। इस विशालकाय क्रिसमस ट्री को लगाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। लंदन के रॉयल बॉटनिकल गार्डन में भी क्रिसमस की धूम है। एक दो नहीं बल्कि 10 लाख से अधिक बल्बों की रोशनी अपनी छटा बिखेर रही है। एनिमेटेड प्रोजेक्शन रंगीन लाइट के जरिए 2.7 किलोमीटर इलाके को सजाया गया है। कोरोना महामारी और दूसरी पाबंदियों के बाद ये पहला मौका है जब लंदन का रॉयल बॉटनिकल गार्डन इस तरह लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। रोशनी के जरिए इस क्रिसमस पर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंचटाइम में बात कुछ जायके की हो जाए। छोटे बड़े समोसे तो आपने खूब देखे होंगे और उनका स्वाद भी लिया होगा, लेकिन क्या आपने महाबाहुबली समोसे का नाम सुना है? दरअसल मेरठ में आपके जायके के लिए बनाया गया है महाबाहुबली समोसा। 10 किलो के समोसे की और क्या खासियत है आपको बताते हैं। यह है देश का सबसे फेवरेट स्नैक्स, जिसे लोग चटकारे मारकर खाते हैं। ये तस्वीरें हैं उस समोसे की जो अपने आप में बड़ा और खास है। चार कारीगर, एक बड़ी सी कढ़ाई, उसमें तैयार किया जा रहा है ये महाबाहुबली समोसा। इस समोसे की दीवानगी का आलम कुछ ऐसा छाया है कि अब केक को छोड़कर नोएडा के इस परिवार ने 10 किलो के महाबाहुबली समोसे को काटकर अपना बर्थडे मनाया। जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ यूनिक करते रहना चाहिए, अलग चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे भैया ने बोला कि उनके मन में भी आया कि एक हम नया तरह का समोसा बनाते हैं, बाहुबली समोसा, तो हमें भी लगा क्यों ना हम भी इस तरह की एक ऊर्जा के साथ आएं और एक कुछ डिफरेंट तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। और मेरठ वासियों के साथ हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना प्यार जनता के साथ बांटें, उनका आशीर्वाद लें और ये बाहुबली समोसा हम काटें आज, महाबाहुबली समोसा। मेरठ के लालकुर्ती इलाके की इस कौशल स्वीट्स नाम की दुकान ने यह अनोखा कारनामा कर दिखाया है और अब महाबाहुबली समोसे के साइज और स्वाद की हर तरफ चर्चा है। बर्थडे सेलिब्रेट करने हम आए हैं। केक हमेशा हम काटते ही हैं बर्थडे पे, सबको पता ही है। केक तो खूब कट गया बर्थडे पे, सोचा कुछ अलग सा किया जाए, जितना यूनिक ये है उतने यूनिक तरीके से बर्थडे मनाया जाए, तो आ गए हम समोसा काटने के कटप्पा। ये बाहुबली है हम कटप्पा। आलम ये है कि नोएडा से आए एक परिवार ने पहली बार महाबाहुबली समोसे को काट कर जन्मदिन मनाया।
अनोखे तरीके से मनाए इस जन्मदिन से ये परिवार बेहद उत्साहित दिखा। अंदर आलू ड्राई फ्रूट्स पनीर वगैरह है और इसकी जो मैदा की लेयर है ये 4 से 4.5 किलो का इसका वेट है और जो इसके अंदर स्टफिंग आलू की है वो 6.5 से 7 किलो का इसका वो होगा। 51 मिनट में जो इसको खाएगा उसको 71,000 रुपए का इनाम रखा है हमने। इस महाबाहुबली समोसे को बनाने के लिए पहले एक बेस बनाया गया, फिर आलू पनीर और ड्राई फ्रूट्स भरा गया। इसे बनाने में करीब 3 घंटे का समय लगा और लगभग 1500 रुपए की लागत आई। दुकानदारों ने इसे और खास और लोकप्रिय बनाने के लिए इस पर इनाम भी रख दिया है, यानी समोसा खाओ इनाम पाओ। साल 1964 से चलती आ रही ये दुकान समोसे को लेकर अक्सर चर्चा में रही है। पहले भी यहाँ 8 किलो का बाहुबली समोसा खूब सुर्खियां बटोर चुका है और अब यहाँ बना ये 10 किलो का महाबाहुबली समोसा अपने साइज और जायके से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। लोग आ रहे हैं, समोसा खा रहे हैं और इनाम पा रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ गुड न्यूज टुडे। पाटन पटोला कपड़े बुनने की देखिए ऐसी कला है जो गुजरात की एक खास पहचान है। बदलते वक्त के साथ पाटन पटोला की चमक धुंधली सी होने लगी थी, लेकिन गुजरात के एक परिवार ने इस कला को निखारने में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक रही है। चलिए आपको इस परिवार के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये परिवार पाटन पटोला को बचाने और बढ़ाने की कवायद में एक साथ जुट गया है। गुजरात में चुनावी शोर और प्रचार के बीच ये पाटन पटोला साड़ी स्टार बन गई है। जी हाँ, ये साड़ी मोदी के G20 शिखर सम्मेलन की स्टार है। दरअसल अपनी बाली यात्रा में मोदी ने पाटन पटोला दुपट्टा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में दिया था। सच कहें तो पाटन पटोला साड़ी अगर आप भी देख लें तो इसकी कीमत चाहे कितनी भी हो आप खरीदेंगे जरूर। आइए हम आपको मिलवाते हैं पाटन पटोला साड़ी को खूबसूरती देने वाले उन हाथों से जो इस साड़ी को लोकप्रिय बनाने के पीछे जुटे हैं। ये है सालवी परिवार, राहुल सालवी और भारत भाई सालवी। सालवी परिवार उन 28 पीढ़ियों में से एक है जो अपने हाथों से फेमस पाटन पटोला की कसीदाकारी में लगे हैं। मैं यहाँ 50 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 60 ईयर रनी गए। मैंने बचपन से काम शुरू किया था यहाँ पर और मेरा फैमिली यहाँ 900 साल से काम कर रहा है विदाउट ड्रॉप। पटोला में जो डिजाइन होती है प्रिंट नहीं किया होता है, जो डिजाइन देते हो धागे पर पहले कर देते हैं, बाद में बुनाई होता है। पटोला के ताना और बाना दोनों की इतना एग्जैक्टली डाई करते हैं टाई डाई प्रोसेस से कि जब बुनाई करते हैं तो दोनों क्रॉस में चुके डिजाइन तैयार होती है। दूसरे कपड़े में तो कपड़ा बुनाई करने के बाद छपाई काम होता है, यहाँ पहले धागे डाई करते हैं बाद में बुनाई करते हैं, तो पूरा रिवर्स प्रोसेस है। और एक खोदने का मेन कारण क्या कि हजारों साल पहले जिस जमाने में दुनिया में डिजाइन वाला कपड़ा निकालने का कोई तरीका खोजा गया नहीं था, उस टाइम हमारे फोर फादर्स ने ये खोजा था कि पहले धागे डाई करना बाद में बुनाई करना। भारत भाई के भतीजे राहुल इस काम में उन्हें खूब मदद करते हैं। राहुल आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन पीढ़ियों के इस काम के आगे 44 साल के इस लड़के ने आर्किटेक्ट में अपना करियर नहीं बनाया बल्कि उसे छोड़ इस पारंपरिक काम के लिए भारत भाई के साथ जुट गए। राहुल पिछले 22 साल से ये काम कर रहे हैं। 900 साल पुरानी एक हमारी परंपरा है तो जो जनरेशन नहीं आती उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है कि इस आर्ट को आगे ले जाए। तो दो कि मैं आर्किटेक्चर वगैरह कुछ अलग ग्रेजुएशन और भाई ने भी किया हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये ट्रेडिशन मरनी नहीं चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये जिंदा रहनी चाहिए। तो हम लोगों ने फिर अपना पर्सनल सब छोड़ के हम इसी परंपरा को आगे चला रहे हैं। बात 11वीं सदी के बाद की है जब सोलंकी राजवंश के राजा कुमार पाल ने महाराष्ट्र के जालान से करीब 700 पाटन बुनकार परिवारों को उत्तरी गुजरात के पाटन में रहने के लिए बुलवाया था। राहुल सालवी के मुताबिक राजा हर रोज भगवान की पूजा के दौरान नया पटोला इस्तेमाल करते थे। हालांकि अब राहुल को चिंता है कि ये कला धीरे धीरे खत्म हो रही है।
ओरिजिनल फॉर्म मीन्स वी डोंट यूज एनी मशीन, वी टेक केयर ऑफ आवर वेजिटेबल डाइज, वी डोंट यूज द सिंथेटिक डाइज. ऑल्सो द आवर डाइज आर ऑल हैंड वॉश, आई मीन दे लास्ट फॉर 100 और मोर देन दैट. सो देर इज अ प्रोवर्ब इन गुजराती, पड़ी पटोले बात फाटे पण फिटे ने. That means the design laid down in patola, it may torn but it shall never fade. So if design or color get faded, then it is not patola. So this is the main characteristic of button patola. राहुल को उम्मीद है कि उनका बेटा वशिष्ठ उनके बाद परिवार की इस परंपरा को जीवित रखेगा. उनको चिंता ये भी है कि ये कला व्यवसायीकरण के चलते नहीं बचेगी. पाटन बुनकरों में अब सिर्फ सालवी परिवार है जो पटोला के लिए हाथों से कसीदाकारी कर रहा है, जबकि दूसरे बुनकार अब मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि हमारा फैमिली में ऐसा ट्रेंड है कि जो हम काम कर रहे हैं वो अपनी पुरानी संस्कृति धरोहर को आगे लेकर जाने को मांगते हैं. तो हमने अपनी पुरानी धरोहर को चालू रखने के लिए हम दूसरा कोई सोचते नहीं कि अपना इंडिया के लिए काम की करेंगे कि पाटन गुजरात और इंडिया को टॉप पे ले जाना है. इसी वजह से काम हम करना ही है. हमें उसमें संतोष है क्योंकि हम पैसे के पीछे नहीं गए ज्यादा. G20 में मोदी के इस पाटन पटोला को इटली की पीएम को तोहफे में देने से इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और इसका क्रेडिट सीधे तौर पर पाटन के सालवी परिवार को जाता है जो इस कला को पीढ़ियों से जीवित रखकर सम्मान दे रहे हैं.